साथ शुरू में सुर मिलाता हुआ, और इधर से मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज, अल्पसंख्यक समाज को बेवकूफ बनाने का काम जो कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमने ये अभियान चलाया। कल 5 तारीख को पूरे महाराष्ट्र के हर जिले के अंदर में सरकार को जगाने के लिए हमारे अल्पसंख्यक विभाग की टीम ने हर डिस्ट्रिक्ट से उन लोगों को निवेदन कलेक्टर के मार्फत भेजा है। मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से हमने समय मांगा था, उन्होंने हमें समय दिया नहीं, इसलिए हमें आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि आज जो उन्होंने संविधान की शपथ लेकर मोदी जी का जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास है, तो दुश्मनियों के नजर से अल्पसंख्यक समाज को देखने का काम आज महाराष्ट्र के अंदर में नहीं, पूरे देश के अंदर में अल्पसंख्यक की परिस्थिति क्या है, चाहे वो मुस्लिम समाज ले लो, सिख समाज ले लो, क्रिश्चियन समाज ले लो, जैन समाज ले लो, आज इनकी परिस्थिति क्या है, इसके ऊपर में आयोग बैठा है, समितियां बैठी है और उन लोगों ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। सच्चा समिति की रिपोर्ट ले लो, रघुनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ले लो, या महाराष्ट्र की बनाई हुई एक समिति थी महमूदुर रहमान समिति, उसकी रिपोर्ट ले लो, इन सबकी रिपोर्ट ये चीख चीख कर कहती है कि अल्पसंख्यक समाज को न्याय मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनका योगदान में बढ़ावा देने के लिए उन लोगों को उनके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं रखनी चाहिए। एक ये योजना थी मार्टी के मार्फत से, आरक्षण के बात जो है वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार के सामने में वो आवाज निकालना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम थोड़ी देर खामोश रहेंगे, 3 महीने के बाद हमें पूरा यकीन है कि आने वाला कल राष्ट्रवादी और महाविकास आघाड़ी का रहेगा, हम जब अपनी बाकी की मांगनियों को रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीना पहले अजीत पवार साहब की पार्टी ने अल्पसंख्यक मेलावा नवी मुंबई में लिया था और उस मेलावे के अंतर्गत उन्होंने ऐसा घोषणा की थी, उनके प्रदेश के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष ने अनुमोदन किया, उनके कार्याध्यक्ष ने उसको पारित किया और अजीत दादा ने उसकी घोषणा की। इन सब घोषणाओं को उन्होंने सिर्फ ऐसा है कि दिखावा कुछ और है, हाथी के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है, ऐसा हमें महसूस हुआ। उस वक्त उन्होंने कहा कि हम आरक्षण देंगे, हम एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे, सार्थी और मार्टी की तर्ज के ऊपर में मार्टी की स्थापना करेंगे। जब उनके पास में ये प्रोविजन गया, ये प्रस्ताव उनके टेबल पे गया, तो अर्थमंत्री होने के साथ, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो अर्थमंत्री भी है और अर्थ मंत्रालय के अंतर्गत हमारे इस मार्टी योजना को कहीं तो भी उन्होंने दूर करने का काम किया। इसलिए हम सरकार को राजधर्म पाड़ा, मुस्लिमाना न्याय दिया, अल्पसंख्यक समाजाला न्याय दिया, ये घोषणा करने के लिए हम उनसे मिलने वाले थे, लेकिन एक अफसोस की बात है कि उनके पास हमारे लिए मिलने का टाइम भी नहीं है। हम कहीं तो भी उनका घेराव करेंगे, अगर हमारी आवाज बहुत जल्द उन्होंने नहीं सुनी तो हमें इसे महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरने का काम करेंगे।